वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन देख सकते 300 रुपए क्लोजिंग दी है, 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले। लास्ट कई दिनों में देख सकते बहुत सी गिरावट देखने को मिले चेन्नई पेट्रोल स्टॉक में। मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है, तो मार्केट कैप में गिरावट हो चुकी है, 5000 के नीचे आ चुका है, 4500 का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखा जाए तो देख सकते 3.36 अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। बुक वैल्यू 187 का है, डिविडेंड ऑफर नहीं करता है स्टॉक। आरओसी देख सकते 19.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है, 55.7 है, फेस वैल्यू 10 है। तो डेप्ट देखा जाए तो लोन की बात किया तो 9238 करोड़ का लोन है। नेट प्रॉफिट जो है 1342 करोड़ का इस साल का। ईपीएस जो है 90.2 का है, जो कि अच्छा खासा ईपीएस भी दिखाई दे रहा है। सेल्स देख सकते हो 43,000 करोड़ के ऊपर हो चुके थे, टोटल एसेट 17,000 करोड़ के ऊपर है। प्रमोट होल्डिंग अच्छी खासी है, 67% के ऊपर, एक साल में 114% का रिटर्न दे चुका है। तो चार्ट की भी बात की है तो देख सकते कि तकरीबन इस चार्ट में भी देख सकते मंथ ऑफ अप्रैल में ऑयल स्टॉक में एक अच्छी आई पे तेजी देखने को मिली थी। ये भी देख सकते हो कि तकरीबन 130 के करीब था, 130 से देख सकते हो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 400 यहाँ पे 400 के ऊपर चला गया था स्टॉक। वही से देख सकते कि अभी रिसेंटली 10 जून के बाद गिरावट देखने को मिली है, तकरीबन 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हो चुके हैं। तो प्रोज की भी बात की जाए तो आने वाले का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। पेयर कंपेरिजन में देख सकते 6 कंपनीज है यहाँ पे रिफाइनरीज की, उसमें देख सकते रिलायंस एक नंबर पे, फिर आईओसीएल, बीपीसीएल, ये भी कंपनीज यहाँ पे मुड़ जाते हैं। तो देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में जो के बाद जो है इस साल का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1300 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हो चुका है। पिछले साल से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, 3 गुना यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट निकला है, 3 से 4 गुना ज़्यादा। तो देख सकते हो बाकी के रिटेल बैलेंस शीट पर भी नज़र डाली जाए तो बैलेंस शीट में देख सकते हो जो शेयर कैपिटल है वो बहुत ही कम हो चुके हैं, यहाँ पे 755 से 149 पे आ चुके हैं। जो रिजर्व शेयर्स थे वो 1200 से 2600 डबल हो चुके हैं। जो लोन लिया था 8500 का था वो 9200 में 700 करोड़ का लोन बढ़ चुका है, 700 करोड़ का। फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो है 1200 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट देख सकते हो अभी भी 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन चेन्नई पेट्रोल स्टॉक के लिए।